शुरू अल्लाह के बाबरकत नामों से जिसने ये जहान बनाया। अस्सलाम वालेकुम। अदी के किचन में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा। उसके लिए मैंने कुछ प्याज़ें ली हैं और लहसुन अदरक और आलू लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आलू काटना शुरू किए हैं कीमे के लिए, लेकिन हम लोग ना आलू इतने ही छोटे काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें 3 पाव तकरीबन कीमा लिया है, बड़े का कीमा है, और इसमें मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ डाला है, और इसको मैंने 5 से 6 मिनट तक भुनाई की है ताकि उसका पानी भी ख़त्म हो जाए कीमे का, और इसमें जो है लहसुन अदरक की स्मेल आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये 5 से 6 मिनट जो है कीमा भून लिया था, फिर उसमें मैंने प्याज़ डाली, और प्याज़ डालने के बाद फिर मैंने इसमें सारे मसाले डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसे धनिए, और इसको थोड़ा सा चलाती गई साथ साथ। और उसके बाद फिर मैंने इसमें प्याज और कीमा गलने के लिए, क्योंकि बीफ का कीमा है ना, इस वजह से इसमें मैंने डाला 1 कप जो है पानी, ताकि ये अच्छे से गल जाए प्याज इसमें ना मसालों के साथ, और मसाले भी रच बस जाए। उसके बाद फिर मैं इसको तकरीबन मैंने दम पे लगाया था 8 से 10 मिनट, ताकि प्याज अपना पानी छोड़ेगी तो वो उसमें जो है आराम से गल जाए कीमा। फिर मैंने इसको भूनना शुरू किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उधर मैं कीमा भून रही थी तो निम्रा को मैंने कहा चलो बेटा जल्दी से आटा गूंदो, तो निम्रा ने फौरन आटा गूंदना शुरू कर दिया। अब यह आटा गूंद लेंगी और इधर मेरा कीमा भून जाएगा, तो बस फिर रोटियां बनाएंगे गरम गरम, और खाने के लिए सबको बुलाएंगे, बैठेंगे खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने वहाँ पे सालन जो है अपना किचन में रख दिया है चूल्हे पे, प्याज और कीमा जो गलने के लिए रखा था मसाले डाल के। अब मैंने जो है यहाँ पे कूलर की सफाई शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सोचा कि ये कूलर जो है एयर कूलर अब सर्दियों में तो काम आएगा नहीं, तो इसे पैक करके रख देते हैं अच्छे से सफाई करके अच्छे तरीके से बिल्कुल, और बहुत दिनों से इसे वॉश किया भी नहीं था, तो पानी वानी भी इसका बिल्कुल निकाल के हमने, और अब जो है मैं इसको बिल्कुल साफ़ करके साबुन से अच्छी तरीके से और कपड़ा गीला मार के इसके ऊपर चादर लपेट के फिर हम इसको रख देंगे अंदर, और फिर निकालेंगे इंशाल्लाह गर्मियों में जब ज़रूरत होगी, अब तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
ये हमारी किसी काम की नहीं है, तो ये इसके ऊपर कवर कर देंगी आराम से। और मैं अपनी जल्दी से भागी हूँ हांडी की तरफ कि मुझे हांडी फाइनल करनी थी अपनी, और अब मैं आपको बहुत जल्दी वो डिश आउट करके अभी दिखा देती हूँ फाइनल करके, ये लोग जो है इसे कवर कर देंगी जब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा आलू कीमा तैयार है और उसके साथ बच्चों ने अपने लिए चावल बॉईल करवाए थे, और मैं भी चावल शौक से खा लेती हूँ, लेकिन अम्मी अबू जो हैं वो रोटी शौक से खाते हैं और वो हर सालन के साथ प्रिफर करते हैं कि वो रोटी खाएं। इसलिए मैंने जल्दी से आटा गुंदवाया था बच्ची से और हमने रोटियां भी बनाई थी अम्मी अबू के लिए। कीमा आलू चावल के साथ और रोटी के साथ हम लोग तो लंच करने के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी मोहब्बतों में याद रखिए। जजाक अल्लाह खैर।